नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास के गणित के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने कोरोना महामारी के कारण आपका 30% सिलेबस जो वो कम कर दिया था, और जो आज भी जारी है। कहने का मतलब आज भी आपको 70% सिलेबस ही पढ़ना है और 30% सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है और कौन सा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले लाल कलर बटन जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप विषय गणित का, अच्छा 9th। तो अब मैं पेपर के बारे में बता दूं, पेपर जो है वो टोटल आपका 100 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें से 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा जो आप पेपर देंगे उसका होगा, 30 नंबर जो है वो कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गणित में कौन सी यूनिट कितने कितने अंक की आएगी। सबसे पहले हम बात करें संख्या पद्धति आपकी 12 अंक की आएगी, बीजगणित आपका 25 अंक का आएगा, ज्यामिति जो 15 नंबर की आएगी, मैथ्स आपकी 14 नंबर की आएगी, प्रायिकता आपकी 4 नंबर की आएगी, टोटल आपका 70 अंक हो जाता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे इकाई 1 संख्या पद्धति, जो 12 अंक की आएगी, इसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा का निरूपण की समीक्षा, क्रमिक, वृद्धि, शांत अशांत, आवर्ती दशमलव का संख्या रेखा का निरूपण, आवर्ती शांत अशांत के रूप में परिमेय संख्या में बदलना, उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, इतना आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इसमें चैप्टर जो है वो है अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण, अपरिमेय संख्या जैसे √3 √3 का अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर निरूपण, प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक विशिष्ट बिंदु के रूप में निरूपण की व्याख्या करना और विपरीत भी सिद्ध करना, उदाहरण संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक विशिष्ट वास्तविक संख्या का निरूपण। तो इतना तो आपको इस यूनिट में पढ़ना। उसके बाद तीसरा जो है आपका इस यूनिट का तीसरा चैप्टर वो है वास्तविक संख्याओं को nth रूट की परिभाषा, यानी मतलब इसमें जो आपको पढ़ना है वो है आपका चौथा, दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए अंडर रूट का अस्तित्व और ज्यामिति व्याख्या कर इसका संख्या रेखा पर निरूपण। उसके बाद पांचवा जो है इसमें वो है आपका 1/a + b√x या 1/√x + √y, इस तरह की वास्तविक संख्या को परिमेय करना, ठीक है भाई, जहां x और y प्राकृतिक संख्या और a और b गुणांक, ठीक है। तो कहने वाला इन संख्या का आपको परिमेयकरण पढ़ना है, ठीक है, इस टाइप की। उसके बाद अगर छठे पॉइंट की बात करूँ तो पूर्ण घात वाले घातकों के नियम को पुनः स्मरण प्रलोभन करना, ठीक है, और उसके बाद धन वास्तविक और परिमेय संख्याओं घातांक, ठीक है, उसमें आपको घातांक उसमें विशेष स्थितियों में और सामान्य नियम की जानकारी रखना। कहने वाला घात इस वाले आपको पॉइंट है, इसमें आपको घात यानी कि मतलब समान आधारों पर घात जुड़ जाती हैं घट जाती हैं, ये नियम आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके साथ ही आपका कि घातों के जितने भी नियम हैं आपके छोटे मोटे वो आपको सबको इसमें पढ़ने हैं। अब बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, बीजगणित की, जो 25 अंक की आएगी और सबसे बड़ी यूनिट है इसकी। तो इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले बहुपद है, बहुपद में आपको क्या पढ़ना भी, एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, ठीक है, उदाहरण और प्रति उदाहरण के साथ, ठीक है। उसके बाद बहुपद के गुणांक पढ़ना है आपको, ठीक है, बहुपद के पद और शून्य बहुपद, ये पढ़ना है आपको, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय आपको बहुपद पढ़ना है। उसके बाद गुणनखंड और गुणांक, ये भी पढ़ना है आपको, बहुपद के गुणांक ये पढ़ना है, शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड प्रमेय का कथन और सत्यापन, ये पढ़ना है। उसके बाद आपका द्विघाती, जैसे कि आप ax2 + bx + c का गुणनखंड करना, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। उसके बाद बीजगणितीय व्यंजक सब समीकरणों को पुनः स्मरण, कहने का मतलब x + y + z2 = x2 + y2 + z2, ये आपका समसमीकरण दे रखी है पूरी, तो ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरी समसमीकरण दे रखी है भी x + y³, x दूसरे दे रखा है x + y, मतलब x - y³। उसके बाद इन्हीं होल क्यू से बना हुआ एक सूत्र है, आपको इसके बारे में पढ़ना है, और बहुपद के गुणनखंड का मैं इनका उपयोग भी पढ़ना है। उसके बाद इसमें दूसरा जो चैप्टर है वो है दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, जैसे एक्स और वाई में आपका समीकरण होते हैं दो चर राशियों में, तो वो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, तो एक चर राशि में एक्स एक्स के पदों में समीकरण होगा, उसे एक चर राशि का समीकरण कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। दो चर राशि में रैखिक समीकरण की जानकारी, जैसे एक्स और वाई हो गया, आपको दो चर राशि होगी तो उसमें उसके बारे में पढ़ना है। आपका ax + by + c = 0 प्रकार के रैखिक समीकरणों विशेष ध्यान, ठीक है, ये भी आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, और सिद्ध करना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके बाद और उनके वास्तविक संख्याओं क्रमिक योग में लिखे जाने की परख करना, ये पढ़ना है।
उनका निरूपण तथा रेखा पर उनका अंकन ये पढ़ना। उसका दो चर राशियों में रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना, कहने का दो चर राशियां x और y में आपके दो समीकरण रखें और इससे आपको x और y के मान रखकर बिंदु प्राप्त करके क्या करना है, ग्राफ खींचना है। उसके बाद वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण समस्या प्रश्न अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न, उसके बाद इनका बीजगणितीय तथा ग्राफिकल हल, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा इसमें ज्यामिति। तो ज्यामिति में आपको कौन कौन सा है भाई, सबसे पहले रेखा और कोण, रेखा और कोण में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपको यदि एक किरण की एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180° होता है, ठीक है। तो कहने वाले एक सीधी रेखा है उस पर एक रेखा खड़ी हुई है तो दोनों कोणों का योग 180° होता है, ये आपको फिर में आपको पढ़नी है। उसके बाद यदि दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेदित करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी सिद्ध करना है आपको, ये भी आपकी फिर में है, ये पढ़नी है आपको। हाँ, उसके बाद बात करें गागी, जब दो समांतर रेखाएं को एक तिरेक रेखा काटती है तो संगत कोण एकांतर कोण तथा आंतरिक कोणों पर आधारित परिणाम सिद्ध करना, कहने का उसमें संगत कोण होते हैं आपके एकांतर कोण होते हैं उनको सिद्ध करना है कैसे कैसे बराबर होते हैं। उसके बाद घनमूल वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है भाई, समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना। उसके बाद दार नंबर की बात करें एक त्रिभुज तीनों कोणों का अंतर कोणों का 180° होता है, ये भी आपको सिद्ध करना है। उसके बाद है आपका मतलब चार नंबर पर में यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो उस प्रकार बने बहिष्कोण दोनों अंतर्मुखी कोणों के योग के बराबर होता है, कहने का मतलब त्रिभुज बनाया उस पर एक किसी रेखा को बढ़ाती है तो उस प्रकार बने हुए बाहर जो कोण बना हुआ होता है वो अंदर बने हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, जो कोण आपके क्या कहते हैं कि हम दूर अंतर्मुख विमुख, कहने का जो दूर जो कोण दोनों स्थित होंगे उनका योग जो है वो बहिष्कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट जो वो त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में सब पढ़ा, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। का नंबर दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है, मतलब ऐसे ही सर्वांशम तो पढ़नी है। ऐसे ही तुम्हारा खा नंबर ऐसे कहने वाला दो भुजाएं दो कोण और एक भुजाएं वाली आपको सर्वांगता पढ़नी है। उसके बाद गा नंबर बात करूं तो तीनों भुजाएं मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं सर्वांगता, मतलब ट्रिपल एस सर्वांगता, ठीक है, जहां एस तो आपको भुजा दिखाता है और ए जो है वो एंगल मतलब कोण दिखाता है। चौथे नंबर की जो तो घा नंबर जो है वो क्या है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और दूसरे भुजा के बराबर है तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो RHS सर्वांगसम होता है, इसमें पढ़नी है। उसके बाद डा नंबर किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये फिर में आपको पढ़नी है। उसके बाद अब चार नंबर किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये सभी प्रमेय हैं तो प्रमेय आपको सिद्ध करना है, इसके बारे में प्रमेय को सिद्ध करना है के बारे में इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका छह नंबर प्रमेय है वो देख लेते हैं, त्रिभुजों में असमता में त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच असमता संबंध का अध्ययन, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट व्रत में, व्रत में क्या क्या पढ़ना है, व्रत की परिभाषा निम्न अवधारण सहित त्रिज्या परिधि व्यास जीवा चाप व्रतखंड त्रिज्यगण आंतरिक, ठीक है, ये तो आपकी उसमें मतलब बेसिक जो आपकी व्रत के बारे में होती है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अंदर देख लेते हैं इसमें आपको कौन कौन सी प्रमेय आपको इसमें पढ़नी है। सबसे पहली प्रमेय है व्रत की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं और इसके विपरीत भी सत्य करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, मतलब विपरीत दोनों तरफ से बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं और बराबर कोण जो वो केंद्र मतलब वर्दी पर बराबर जीवाएं का निर्माण करता है, ठीक है, ये विपरीत भी आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद है खा नंबर एक व्रत के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्वाहित करता है, तो ये प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। उसके बाद गा नंबर प्रमेय है तीन असंरेक बिंदु से एक और केवल एक ही व्रत खींचा जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको रचना करके इसमें सिद्ध करना है। इसके बाद घा नंबर की बात करूं एक व्रत की बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर हो तो क्या समान दूरी पर होती है, ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, उसका विपरीत सिद्ध करना है। उसके बाद दा नंबर एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दिगुना होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इसे आप तैयार करके जाएं। उसके बाद एक ही व्रतखंड के कोण बराबर होते हैं, ये भी आपकी प्रमेय है, इसे भी आपको सिद्ध करना है। उसके बाद छह नंबर देखें यदि दो बिंदुओं को बनाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाले रेखा के एक ही ओर स्थित हों स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक व्रत पर स्थित होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका जा नंबर चक्रीय त्रिभुज सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180° का होता है, कहने का मतलब जो चक्रीय त्रिभुज होता है उसके सामने को जो कोण होते हैं आमने सामने कोण उनका योग जो है वो 180° होता है, ये भी आपको इसमें सिद्ध करना है। उसके बाद करते हैं इकाई चार की मेंसुरेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले क्षेत्रफल में हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है,
और इसका अनुप्रयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसमें हमें इंस्ट्रक्शन हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन किसकिस का, घन का, घनाभ का, गोला का और लंबवृत्तीय बेलन और शंकु का, ठीक है, इनका आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रायिकता की बात करें चैप्टर इकाई नंबर 5 की, तो इसमें प्रायिकता इतिहास, प्रायिकता के परिच्छेद के परीक्षण का दोहराव, परिच्छेद बारंबारता, अनुभाविक प्रायिकता पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो बेसिक ही पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है प्रायिकता, ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं उस चैप्टर उन टॉपिक्स की जो आपके हटाए गए, थर्ड में से जो आपका हटाया गया है वो निर्देशन ज्यामिति में जो हटाया गया, हटा दी गई है पूरी कार्यतल की, मतलब पूरी निर्देशन ज्यामिति जो चैप्टर है वो पूरा हटा दिया गया है। इसमें आपका कार्यतल किसी बिंदु से निर्देशांक, कार्यतल से संबंधित नाम, परिभाषिक शब्द, ठीक है, और संकेतन, तल पर बिंदु का दर्शाना, ये सब हटा दिया गया। वह इकाई 4 में से ज्यामिति में से यूक्लिड की ज्यामिति परिचय पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चतुर्भुज में बात करूं तो चतुर्भुज में किसी समान चतुर्भुज के एक विकर्ण पर दो सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करना, ठीक है, ये हटा दिया गया। कहने का मतलब फिर में है जो आपकी हटा दी गई है चतुर्भुज में से एक, मतलब पूरा चतुर्भुज वाला चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। एक समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी हटा दिया गया। एक समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी हटा दिया गया। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं प्रत्येक समान रहता तो वह एक समान चतुर्भुज होता है, ये भी हटा दिया गया। समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समन्वयित करते हैं, ये भी हटा दिया गया, ठीक है। तो ये सब हटा दिया। उसके बाद आप बात करूँ भाई क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल की अवधारणा आयत क्षेत्रफल का पुनः स्मरण, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समान चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये वाली आपकी भर में हटा दी गई, एक ही बात। इसके बाद एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये भी आपका हटा दिया गया। रचना में देखें क्या क्या हटा दिया गया, रेखाखंड को लंब समद्विभाजक कोण 60-90 इत्यादि के समद्विभाजक और समबाहु त्रिभुज की रचना करना, ये आपका हटा दिया गया। उसके बाद खा नंबर देखें, दिए आधार पर एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं के योग अंतर के त्रिभुज की रचना करना, ये भी आपको हटा दिया गया। उसके बाद एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप और दोनों आधार कोण दिए गए हैं, ठीक है, उसकी हटा दिया। उसके बाद आपकी सांख्यिकी जो है वो पूरी हटा दी गई है, इसमें आपको ना माध्यिका, ना बहुलक, ना आपका माध्य बहुलक कुछ नहीं पढ़ना है, आपका सांख्यिकी पूरी हटा दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने मैथ के सिलेबस के बारे में बताया, ठीक है, जो आपको पढ़ना है उसके बारे में बताया, जो नहीं पढ़ना है उसके बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।